आई थिंक कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी जहां पे आपने सुना था कि एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी हैं बहुत सारी और कुछ अपार्टमेंट्स गिफ्ट करे, वो इन्हीं की कंपनी है। साढ़े बारह साल की उम्र में मैंने गांव छोड़ दिया था क्योंकि आपकी तरह मेरे को भी पढ़ने का नहीं था। सभी को पढ़ने का तो होता ही नहीं है, सब कुछ करो लेकिन पढ़ने का नहीं है। हम मौका नहीं मिलता, हर एक को मौका मिल जाए तो सभी छोड़ दें। बस की टिकट थी 12.5 रुपया और आज हमारा 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है, यही हमारी जर्नी है। तो वी आर वेरी हैप्पी। मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि आज तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। दैट टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, जेब में एक पैसा भी नहीं था और कोई मदद करने वाला भी नहीं था, अरे कोई मोटिवेटर ऐसा भी नहीं था। सर आप थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताएंगे कि जब आपने शुरुआत करी तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? वैसे तो जब भी हमने जर्नी चालू की है तभी तो इतना मुश्किल, मतलब कि हमारे यहाँ साला कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी में ही काम करना चाहते हैं, हमारे साथ तो कोई ना तो एम्प्लॉय मिलता है, ना तो मैनेजर मिलता है, ना तो कोई अच्छा व्यापारी मिलता है, ना तो हमको अच्छा कोई सप्लायर मिलता है। समझो जत्थाबंद पूरा लिस्ट था प्रॉब्लम का। दिमाग पढ़ा लिखा तो नहीं था, सोचना चालू किया कि ये सबको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा करूँ। ये गाड़ी का तभी मेरे दिमाग में आया, ये गाड़ी का मैंने 95 में 3 कार दिया था, ये तो अभी दिया वो हाईलाइट हुआ। और अभी तक तो मैंने 4,000 लोगों को कार या घर या गहना दे चुका हूँ। आप देना चालू करो, एम्प्लॉय है, ब्रदर है, पड़ोसी है, राष्ट्र है, समाज है, देना चालू करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मिलना चालू हो जाएगा।